न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज एसोसिएशन की चंबा जिला इकाई के चुनावों में सुनील जरियाल को लगातार तीसरी बार आम सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा विजय शर्मा को महासचिव व व्यास देव को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। एसोसिएशन की महिला विंग में भी सर्वसम्मति से रचना कुमारी को अध्यक्ष, श्रेष्ठा शर्मा को महासचिव और नीलम को कोषाध्यक्ष चुन लिया गया। चुनावी प्रक्रिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज एसोसिएशन के संस्थापक नरेश ठाकुर, राज्य प्रधान प्रदीप ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद व कांगड़ा जिला के पूर्व प्रधान अनिरुद्ध गुलेरिया विशेष तौर से मौजूद रहे। इससे पहले एसोसिएशन के जिला प्रधान सुनील जरियाल ने संस्थापक सहित एसोसिएशन के राज्य प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उन्होंने साथ ही तीसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन हेतु पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार भी जताया। जी सर, बताइए, जो आज आपकी एलपीएस की चंबा में बैठक हुई, उसमें सर क्या क्या रहा आपका? नमस्कार। आज जिला चंबा की कार्यकारिणी का पुनर्गठन था और जिसके लिए एक बैठक जिला चंबा की बुलाई गई थी। मुझे बहुत खुशी के साथ ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पुनः जिला चंबा में श्री सुनील जरियाल जी और रचना महाजन जी के नेतृत्व में पुरानी कार्यकारिणी को पुनः कर्मचारियों द्वारा चुना गया, क्योंकि इनका जो पिछला कार्यकाल था वो बहुत ही सराहनीय रहा था और जिला चंबा ने एक अग्रणी भूमिका पुरानी पेंशन बहाली के में की जो आंदोलन है इसमें निभाई थी। और एक इस बैठक में और बात निकल कर आ रही है कि जिला चंबा से जो है बहुत ज़्यादा कर्मचारी धर्मशाला की रैली में भाग लेने वाले हैं, जो रैली दिसंबर माह के अंत में होगी। सर, अगर आपकी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तो इसके लिए आपने क्या सर रूपरेखा तैयार की? मैंने जैसे कि पहले स्पष्ट कर दिया, दिसंबर माह में हमारी धर्मशाला में एक ऐतिहासिक रैली होगी और ये ऐतिहासिक रैली इतनी बड़ी होगी कि शायद जो सरकार है, जो सरकार ने कर्मचारियों से वादे किए हैं, वो सरकार को पूरे करने पड़ेंगे। अगर फिर भी उस रैली से भी अगर सरकार की नींद नहीं टूटती, एक जनवरी के बाद जो कर्मचारी करने वाले हैं वो शायद ना कभी सरकार को एहसास हो, ना किसी जो बाकी लोग हैं, जो सरकार के जो विधायक हैं या मंत्री लोग हैं, उनको एहसास होगा कि हम जो है क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये रणनीति है। बहुत जल्द हमारे राज्य स्तरीय बैठक में इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और 1 जनवरी के बाद ये आंदोलन है ये बहुत गति पकड़ेगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।